वो चैप्टर एमएस एक्सेल से ही रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन भी इस बार रहेगा। तो सभी आदमी मतलब किसी भी तरीके का स्किप नहीं करेंगे, सभी आदमी अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे उसको, और इसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए स्क्रीन मैं शो कर दे रहा हूँ आपको। अभी मेरा स्क्रीन आप लोगों को शेयर्ड हो जाएगा विद इन 1 मिनट। शेयर हो रहा होगा, आई होप कि शेयर हो रहा होगा। स्क्रीन मिल रहा है आप लोगों को? बताइए चैट पे, चाहे कहीं भी बताइएगा तभी मुझे चूंकि मुझे पता नहीं है और आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा। ओके, अब देखिए। हाँ, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल में स्टार्ट करना फंक्शन। तो आज बेसिकली पार्ट बताएंगे फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो मेरे डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। एक जो फंक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दूंगा, एक जो फंक्शन होता है, पहले आप हिंदी में सुन लीजिए। एक जो फंक्शन होता है वो बेसिकली इनबिल्ट, पहले से बना बनाया, ठीक है, आपको नहीं बनाने की जरूरत है, पहले से बना बनाया कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइप टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे कि अगर आप मान लें कि आपको सम करना है, तो प्रीवियस बार में आपने देखा था कि सम फंक्शन का हम लोगों ने यूज किया था। तो सम फंक्शन का जब आप यूज किए थे तो सम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता है, डिवाइड तो नहीं कर सकता है, नहीं, सम केवल सम ही करेगा। इसका मतलब ये होता है कि सम फंक्शन एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट, यानी कह सकते हैं हम लोग कि फंक्शन इज ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट विच आर यूज टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क। स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कराने के लिए एक प्रोग्राम, एक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम का सेगमेंट होता है, कौन होता है, फंक्शन होता है। अब बॉडी ऑफ फंक्शन हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर या बॉडी ऑफ फंक्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले आप इक्वल टू का साइन लगाते हो, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाने के लिए मान लीजिए हम सम फंक्शन का ही उदाहरण ले, तो ये हम सम लिख दिए, सम लिख देते हैं, और फिर आप इस तरह से ब्रैकेट का यूज करते हो, ठीक। तो इसमें पकड़ना हमको ये है कि अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये जो मैंने ये गोल किया, सर्कल किया इसको, तो ये जो ब्रैकेट का साइन है, अगर ये ब्रैकेट लगा है तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप इसमें और चीजें भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पेन ले लूं अच्छा सा। मैं एक फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, सम आपने डिफाइन किया,
तो सम अगर आप डिफाइन करते हो, अभी भी कोई ज्वाइन कर रहे हैं लग रहा है, हमको टाइम नहीं मालूम है क्या, सोमोन जाहिद अहमद कौन है, क्लास का है ना सब। तो अगर आप यहाँ पे सम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सम फंक्शन के अंदर क्या होगा, आर्गुमेंट्स होता है। जैसे इसके अंदर कोई भी चीजें आप लिखेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि कोई वैल्यू लिखे ए बी, ये वैल्यू लिखा, तो ये सम फंक्शन का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, यहां से यहां तक ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, लिखने का एक तरीका हो गया। और ये जो है, ये जो दो वैल्यू इसके बीच में दी जा रही है, ठीक है, ये जो दो वैल्यू आपने दी, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू फंक्शन की आर्गुमेंट्स कहलाती है, ये वैल्यू फंक्शन की आर्गुमेंट्स कहलाती है, ठीक है, ये वैल्यू फंक्शन की आर्गुमेंट्स हो गई। अब फंक्शन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है, दिख रहा है कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है फंक्शन का। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझें, ये तो ड्रॉ करके मैंने बता दिया कि इस तरीके से होता है, प्रैक्टिकली आप समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो अगर आपको प्लस करना है तो फंक्शन का हम लोगों ने बॉडी स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, इक्वल टू सम पढ़ा, ब्रैकेट ऑन। अब यहां से हमको 20, 30 और 40 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिनको जिनको जोड़ना है, फिर ये ब्रैकेट ऑफ कर दिया और इंटर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ करके कितना आना चाहिए, 40, 30, 70 और 20, 90 आना चाहिए। तो इंटर किया, 90 आ गया। तो देखे जो इसके अंदर ये C1 और C3 डाला गया, ये फंक्शन का क्या है, आर्गुमेंट्स है, और ये फंक्शन की पूरी ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। और हर एक फंक्शन अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करता है, ये क्लियर है कि एक फंक्शन जो होता है अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है। वही बात यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं कि जो फंक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर तो यही होता है, सम B3 टू B12। तो इक्वल साइन से हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का क्या होगा, नाम होगा। तो ये जो सम लिखा हुआ है वो फंक्शन का नाम है, और इसके बीच में ये जो दी गई है चीजें B3 टू B12, ये क्या है, फंक्शन का आर्गुमेंट्स है, ये फंक्शन का आर्गुमेंट है। तो इतना क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन नेम क्या होता है, इक्वल साइन क्यों लगाते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है। ये तीन चीजें फंक्शन बॉडी के स्ट्रक्चर में क्लियर आप समझ लीजिए। अब वर्किंग विथ आर्गुमेंट का मतलब ये है कि कुछ फंक्शन है जो कि बेसिकली रूप से काम करते हैं, बेसिकली हम लोग हमेशा बार बार उस चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो एवरेज फंक्शन है, ठीक है, जो एवरेज निकालता है। दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, काउंट फंक्शन यूज करते हैं, जो काउंटिंग करके बताता है। तो पहले इन दोनों को हम लोग यूज करके देख लें कि काउंट और एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकली हम देखें, इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, सम फंक्शन अब मैं यहाँ से क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आपको एवरेज यूज करना है, बस सिंपल तरीका है, इज इक्वल टू एवरेज 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 लिखा, एवरेज किसका निकालना है, इन तीनों का एवरेज निकालना है, तीनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर किया, तो एवरेज फंक्शन यहाँ पे एवरेज निकल के सामने आ गया, 30 एवरेज, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग स्टे करिए, आ रहा हूं।
हाँ अभी क्लियर हुआ साउंड आया। ठीक है, तो एवरेज मैंने निकाला था, तो एवरेज आप यहाँ देख रहे हैं ना कि एवरेज का फॉर्मूला ये लगा दिया इज इक्वल टू एवरेज लिखा और उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया। तो एवरेज तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे निकलता है, ये तीनों को जोड़ेगा और फिर नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एवरेज निकल जाता है। तो ये तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया हमारा 90 है, 90 को 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो क्या आया 30 आया रिजल्ट। देखिए रिजल्ट हमारा 30, तो एवरेज निकालना आपको समझ में आ गया कि एवरेज कैसे निकलेगा। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि काउंट फंक्शन कैसे यूज हो, जो बेसिक फंक्शन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इतना देर से समवन वांट्स टू ज्वाइन श्रेया गोस्वामी, श्रेया गोस्वामी। तो यहां पे एवरेज की बात हम लोगों ने कर लिया, अब काउंट फंक्शन की बात करेंगे। काउंट फंक्शन क्या करता है भाई, तो काउंट ऑल द सेल्स इन थ्री आर्गुमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, यानी कि काउंट करता है ये फंक्शन, क्या करेगा सिंपली काउंट करेगा, काउंट करके बताएगा कि कितने मतलब उसमें सेल में न्यूमेरिक डिजिट्स है। ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट्स है तो प्रैक्टिकली आप देखिए, हम तो ऐसे काउंट कर लिए ना 1 2 3 है न्यूमेरिक डिजिट, लेकिन बात ये है कि 1 2 3 की ही बात नहीं है, अगर डेटा की संख्या लाखों करोड़ों में हो तो फिर तो 1 2 3 काउंट करते रह जाएंगे हम लोग। तो इससे अच्छा है कि हम कोई ना कोई फंक्शन यूज कर लें, तो हम यहाँ यूज करेंगे इज इक्वल टू काउंट फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, कितने सेल, जो भी सेल में हमको काउंट करना है ये काउंट कर लें, ब्रैकेट ऑफ क्रिया या यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट है, ये 1 है 2 है 3 है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 3 आया। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको, बताओ यस सर नो सर जो बताना है। ओके, हाँ बोलो, डाउट है तो बोलो, किसी को समझ लो तो प्रैक्टिकली देखो समझ में आ जाएगा। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा ये बताओ पहले रोहित, कि सीटी रोहित काहे लिखा है, सीटी रोहित काहे लिखा है, मतलब सीटी क्या नेम है, सीटी स्टैंड्स फॉर रोहित तो वही तो रोहित हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सीटी क्या होता है, मैंने सीटी मारने वाला रोहित चलो ठीक है, यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल देखो तो क्या है, ये एक प्रॉब्लम था रोहित कुमार का कि C1 C3 क्यों दे रहे हैं आर्गुमेंट के तौर पर। देखो भाई ये जो सेल है, ये जो सेल प्रीवियस वीडियो तुम नहीं देखा इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो सेल है ये इस सेल का एड्रेस पता है क्या है, सी, ये तो सी हो गया कॉलम की संख्या, और इधर रॉ की संख्या देखो क्या हुआ, तो ये सी और इधर 1, तो ये कौन सा सेल का एड्रेस हो गया, C1 यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है नेम बॉक्स में C1 है। ठीक है, ये तो C1 हो गया, अब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू जोड़नी है, C1 से ये C3 तक की वैल्यू जोड़नी है ना, हम पूरा रेंज ले रहे हैं यहां से आते तक, C1 से C3 हो गया ना पूरा रेंज, अलग अलग सेल का, हाँ अलग अलग सेल का अलग अलग एड्रेस होता है बाबू, तो प्रत्येक सेल का एड्रेस अलग अलग है, हमको रेंज स्पेसिफाइड करना होता है कि देखो C1 से C3 तक का रेंज ये स्पेसिफाइड किया है, तो यही बात। हाँ यही बोलो, हाँ वो दिखाएगा, हाँ तो
मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ ना, तो बड़ा स्क्रीन हो गया है मेरा, उसमें सारी जातें अभी नहीं दिखाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल कैसे हम लोग तीन चीजें यूज कर लिए, सम यूज कर लिए, एवरेज यूज कर लिए, अकाउंट भी यूज कर लिए। तीनों का काम क्या होता है ये भी पता हमको चल गया। अब आता है कुछ दो चीजें और हम फंक्शन बताने वाले हैं प्रैक्टिकली। कि मान लीजिए कि लाखों डेटा है और लाखों डेटा में आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू किसका है। मैक्सिमम मान लीजिए कि 10 लाख इम्प्लॉई है और 10 लाख इम्प्लॉई में सबसे बड़ा सैलरी किसका है, सबसे ज्यादा सैलरी किसका है। तो फिर हमको एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि हमको इसका भाई किसका सैलरी है, एक एक कर। अब 10 लाख डेटा देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो यही मान लीजिए कि 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया सैलरी है मान लीजिए, तो इसमें से मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो तीन है तो हम फाइंड आउट कर दिए कि 40 रुपया है। लेकिन अगर 10 लाख डेटा होता तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाने के लिए एक फंक्शन है हमारे पास, हम इज इक्वल टू मैक्स यूज करेंगे। ठीक है, मैक्स फंक्शन का यूज करके हम सेल रेंज वाइसिंग सेलेक्ट कर लेंगे और बताएगा ये कि मैक्सिमम तीनों में ऐसे क्यों है। तो मैक्सिमम तीनों में से 40 है तो 40 रिजल्ट आएगा, आया 40 रिजल्ट। ये मैक्सिमम वैल्यू की बात। अब आता है किसकी वैल्यू, मिनिमम की, सबसे कम सैलरी किसकी है। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू मिन फंक्शन का यूज करेंगे, मिन, और सेल रेंज वैसे ही सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। 20 आया मिनिमम तीनों में, तीनों में तो 20 ही मिनिमम है, इसलिए यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो कितने फंक्शन आपने यूज किया, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स, ये सारे फंक्शंस आपने यूज किए। ठीक है, अब तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा। एक एक्सेल में जो होता है एक फंक्शन ही नहीं होता है एक्सेल में, एक चीज जान लीजिए कि वो फंक्शन से ही सारा काम नहीं हुआ, फॉर्मूला भी बनाया जाता है, अपने से फॉर्मूला डिफाइन करो। तो जब अपने से आप फॉर्मूला डिफाइन करिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए कैसे होगा। अब एक और हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा बुक की बातें भी तो देखनी है, क्योंकि बुक से ही हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो बुक से जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बुक जरूर पढ़ेंगे और बुक के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। पता नहीं आप सबके पास बुक है भी कि नहीं भी है, ये बात तो हमको नहीं पता, बट बुक तो बहुत जरूरी चीज है। तो अभी एक मिनट आप रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। देखिए पेज नंबर 253 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और एवरेज वगैरह हो ही गया, सम वगैरह हो ही गया, काउंट मिन मैक्स हो ही गया। ठीक है, मैक्स मिनिमम सब कुछ फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमम तक दिया हुआ है। अब देखिए कुछ चीजें और भी होती हैं इसमें, वो चीजें मैं आज क्लियर कर दूं। इसके लिए हम लोग स्क्रीन दूसरा देख रहे हैं, ये तो सम वगैरह करके दिखा रहा है, सम वगैरह एवरेज करके हम लोग देखें। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं सुन। मैक्सम, देखिए मैक्सा क्या करता है, कुछ चीजें आपको ये समझना होगा कि एक्सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर का भी हमारे पास कमी है। तो अभी आप देखिएगा कि हम लोग ओ ऑफिस इंप्रेस पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ऑफिस में ही ओ ऑफिस आता है। ठीक है, लेकिन चूंकि उस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग वही चीज एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो मैक्सा जो फंक्शन आता है कि मैक्सिमम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड लॉजिकल एंट्रीज, मतलब समझ में आ रहा है
मिक्स फंक्शन जो होगा वो केवल डिजिट को काउंट करेगा। ये तो बात समझ में आई, डिजिट मतलब क्या, नंबर 1, 2, 3, 5, 10 ये सब नंबर उसको काउंट करेगा। लेकिन मैक्सा जो फंक्शन है वो सबको काउंट कर लेगा, चाहे वो नंबर है चाहे टेक्स्ट है या लॉजिकल एंट्रीज है, वो सबको काउंट कर लेता है। ये नहीं कि और मैक्स फंक्शन क्या करेगा, वो रहेगा भी अगर टेक्स्ट अगर लॉजिकल एंट्रीज रहेंगी भी तो उसको इग्नोर कर देगा, किसको केवल काउंट करेगा, जो नंबर होगा उसी को केवल काउंट करेगा। लेकिन मैक्सा जो है वो सारी चीजों को काउंट कर लेगा, यानी कि चाहे वो इंक्लूडिंग टेक्स्ट और इंक्लूडिंग लॉजिकल एंट्रीज। यही डिफरेंशिएशन है मिनिमम है और मैक्सा में, वही है। मीना भी एक है, देख लीजिए मीना भी है। तो मीना वही करेगा। हाँ बोलिए। यार बोलते नहीं तो कहाँ जाऊँ, वो सुना ही देगा तब ना हम आंसर देंगे। बोल रहे आधा कट जा रहा, आधा कट जा रहा। हाँ तो उस पे हम लोग चलेंगे, अभी तो अभी फंक्शन है पे ना है हम लोग, ठीक है। तो फंक्शन पे है, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, कि मान लीजिए कि आपको अभी हमारा सिस्टम का डेट एंड टाइम देखना है, तो डेट एंड टाइम भी फंक्शन होता है। तो उसके लिए हम केवल क्या लिख लेते हैं, नाउ फंक्शन का यूज कर लेते हैं, NOW नाउ फंक्शन का यूज करेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए डेट एंड टाइम आ गया। अभी करेंट सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है वो दिखाई देगा, यानी आपके सिस्टम में जो होगा वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। नाउ फंक्शन का यूज करेंगे जो बुक में नहीं है, बट ज्ञान के लिए जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही होता है। तो ये फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, फंक्शन की बात हो रही है। लेकिन अब हमको ये बात पता करना है कि कोई भी लॉजिकल चीजें कैसे की जाती है। लॉजिकल चीजें का मतलब क्या है, कंडीशन के आधार पर, यानी कि कंडीशन के आधार पर कैसे काम किया जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, है ना, इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जिससे इफ वगैरह क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और सब कुछ हमारे गूगल पे मौजूद है, बस हम लोगों को देखना है, लेकिन हम लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। तो इफ की बात आ रही है, चलो अब कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ कंडीशन, ऐसा सिचुएशन आया हमारे पास कि ये तो सिंपल आप समझ रहे हैं कि ये फंक्शन ये कर रहा है, ये फंक्शन ये कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन के शर्त के आधार पर, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों में ये बात पता करनी हो कि कौन बड़ा है, तब ये बात कौन बड़ा है, दो नंबर्स में कौन नंबर क्या है वो बड़ा है, तो इस बात की जानकारी आपका कैसे होगी, तब तो कंपेयरिंग करना पड़ेगा ना, कंपेयरिंग करना पड़ेगा मुझे। और कंपेयरिंग का मतलब क्या हुआ, कंपेयरिंग का यहां मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन पे काम कर रहे हैं, किसी शर्त पे काम कर रहे हैं। और कंडीशन पे काम करिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेटा फीड होंगी। तो आप कैसे इसको करेंगे, इस बात को हम लोग डेटा फीड करके देखते हैं और कैसे इसका काम हो रहा है। कुछ डेटा ले लेते हैं, सिंपली आप कुछ डेटा ले लीजिए, जैसे इवन मान के चलते हैं इसको हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया गया, यहाँ पे भी कुछ डेटा ले लिया गया,
तो यहाँ कंडीशन थोड़ा सा आप देखेंगे कि अगर लिखा हुआ है कि इफ डी फोर इज ग्रेटर देन 10, ठीक, सिंपली आप देख रहे हैं कि डी फोर ये 20 वैल्यू है, कंडीशंस को हमको चेक करना है। अब कंडीशंस कैसे चेक होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या आर्गुमेंट पास किया है। कि इफ डी फोर इज ग्रेटर देन 10, सॉरी डबल कोट कॉमा फिर डबल कोट, ठीक है। अब ये क्या कहने का सेंस क्या हो रहा है, कहने का सेंस ये कह रहा है कि अगर D4, तो D4 में 20 है, हम ये पता करना है कि दो स्टूडेंट का मार्कशीट है, चाहे एक स्टूडेंट का मार्कशीट है, अगर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 10 से अधिक है, यानी D4 इज ग्रेटर देन 10, अगर D4 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तब वो पास होगा कि फेल होगा। ये ट्रू कंडीशन के लिए है, और ये फेल वाला कौन है, फॉल्स कंडीशन के लिए है। तो अगर ट्रू होता है तो पास देगा, अगर फॉल्स होता है तो क्या देगा, फेल करेगा। तो अभी क्या कर रहा है, पास लिख रहा है ना आपके सामने, क्यों पास लिखा, देखिए फॉर्मूला में, देखिए फॉर्मूला में इसलिए पास लिखा, कह रहा है कि D4 greater than 10 हो, तो D4 जाहिर सी बात है कि D4 में 20 है तो 10 से बड़ा ही है, इसलिए कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। और जब कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू वाला रिजल्ट, यानी कि ये ट्रू का रिजल्ट है, पास वाला जो है ना ट्रू का रिजल्ट है, इसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से, आप जब तक नहीं समझिएगा दिक्कत होगा। अब मैंने लिखा था इज इक्वल टू, क्या लिखा था, इफ जो आपने प्रैक्टिकली देखा, इफ यहां पे लिखा कि D4 इज ग्रेटर देन 10 कॉमा डबल कोट पास, P4 पास मान लेते हैं ना, और कॉमा डबल कोट नहीं तो फेल, F फॉर फेल मार लेते हैं, ये ब्रैकेट ऑफ। तो D4 में क्या था, D4 ये आप समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये बीच का ये जो सिंबल है, ये तभी रिजल्ट देगा जब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जब कंडीशन दिया गया, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। और ये तभी रिजल्ट देगा जब दिया गया कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये दिया गया कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जब D4 में क्या था, D4 में हमने देखा कि D4 में क्या था, तो D4 में 20 था, D4 में 20 था, तो यहां पूछ रहा है ना कि D4 greater than 10 है, तो जी हाँ D4 बड़ा है, ठीक है, D4 क्या है, 10 से बड़ा है, तो यानी कि कंडीशन गोज ट्रू। इस आधार पे कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो ट्रू हो गया तो ये वाला रिजल्ट दे दिया, अगर कंडीशन फॉल्स होता तो क्या देता, F वाला रिजल्ट दे देता। तो इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पे D4 greater than 10 है, तो सही बात है, 20 है तो greater than 10 है, इसलिए पास दे रहा है, देखिए पास दे रहा है ना, रिजल्ट पास आया। लेकिन अगर कंडीशन हम यहाँ चेंज कर दें, 5 कर दें, सॉरी 30 कर दें, तब क्या दे रहा है, फेल। बात समझ में आई आप लोगों को, इफ का कंडीशन समझ में आया सबको, हाँ बोलो, ओके। तो इस तरह से इफ का हम यूज करते हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल इफ का यूज करके तो दिया हुआ है बुक में, हमने एक बता दिया, अब आप उस पर प्रैक्टिस करिए,
प्रैक्टिस करने का मतलब इवन आप अगर चाहें तो कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो अपना मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर ले ऑफिस का और उसी पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो हाँ बोलिए। अब जो देखो सिलेबस जो कट ऑफ हुआ है वो फर्स्ट से कट ऑफ हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड लेसन ये सब से क्वेश्चन उतना नहीं आने वाला, जो आएगा सो इधर से आएगा। तो फर्स्ट लेसन नहीं छोड़ देना, प्रिपेयर मत करना, उसको छोड़ देना। बाकी फाइनल के लिए ना WTF ऑफिस आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिस का ऑफिस लिखिएगा ना प्ले स्टोर पे तो आ जाएगा, तो फिर आप उस चीज को कर लीजिएगा, उससे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ तो अब चैट हम लोग पढ़ते हैं कि अमृत कुमार लिख रहे हैं कि सर कंप्यूटर का क्लास ऑनलाइन ही ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल हो जा रहा है। भाई वो तो बात सही है, लेकिन अगर हम लोग इससे भी अच्छा हो सकता है कि अगर स्कूल आगे बढ़ेगा तो डिजिटल क्लासेस अगर करें, डिजिटल क्लासेस में और अच्छे से समझ में आएगा। कौन फाइल? वो छोड़ दो, ये जैम फाइल्स का मतलब व्हाइट बोर्ड के लिए है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है ना, तो बोर्ड पे कैसे अभी मैं लिख लिख के बता दे रहा हूँ, तो वो व्हाइट बोर्ड के लिए है। और व्हाइट बोर्ड तो वैसे भी मैं अलग से दिखा ही रहा हूँ, तो उसको उसको करने का जरूरत नहीं। तो अब हम लोग पढ़ लिए, क्लासेस कर लिए, अब नेक्स्ट क्लास के लिए अगले बार मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग इस चीज को देखिएगा, और ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, बस आपको इसको रिपीट करके देखना है। किसी को प्रॉब्लम है तो बार बार रिपीट करके देख ले उसको, और प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम दूर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आएंगे और हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? ओके, तो थैंक यू, बाय।